जनपद पंचायत बागली के जनपद परिसर में दुकान निर्माण पेवर ब्लॉक बाउंड्री निर्माण के लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेस द्वारा तय किए गए समय पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लोकार्पण कर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उक्त लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और बागली विधायक पहाड़ सिंह कनौजे की अवहेलना की गई है, क्योंकि उक्त कार्यों के लिए भाजपा सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए रुपयों से कार्य किए गए और हमारे भाजपा के नेताओं के नाम ही शिला लेखा पर नीचे लिखे गए। जबकि बागली के लोकार्पण कार्यक्रम में हट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी का नाम बागली विधायक पहाड़ सिंह कनौजे के ऊपर लिखकर लोकार्पण कार्य किया जा रहा है, इसीलिए हम यहां विरोध दर्ज करा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर जनपद पंचायत के गेट पर फीता काटकर एवं शिला लेख पर फीता काटकर नारियल चढ़ाकर लोकार्पण किया गया। कांग्रेस द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के समय पर कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित नहीं हो पाया। पुलिस को सूचना होने के बावजूद भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर रैली निकाली और साथ में जनपद पंचायत परिसर के गेट पर और शिला लेख पर फीता काटकर विरोध दर्ज कराया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कार्यक्रम की वेला आगे बढ़ने वाली है। यहाँ पे हमने कोई भेदभाव से काम नहीं किया। हमने सांसद महोदय का भी फोटोकॉल के नेम से हमने उनका नाम लिखा है, विधायक जी का भी नाम है और साथ में हमारे भाई साहब तौर भाई साहब जो अभी दूसरे संघ के अध्यक्ष है प्रदेश लेवल पे, उनका भी नाम है और हमारे मित्र है। इन्होंने नोट शीट दी है, उस नोट शीट की कॉपी है, उसमें द्वेष्टापूर्ण तरीके से सांसद जी और विधायक जी का नाम काटा हुआ, उसकी मूल कॉपी मेरे पास में है, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। द्वेष्टापूर्ण तरीके से काम किया है। पर इसमें क्या वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत भी की जाएगी क्या? अधिकारियों से बात की है और जब हमने उनको बोला है कि आप जनपद अध्यक्ष की नोट शीट का बहाना लेकर के अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते हो, आपको जवाब देना पड़ेगा वहां पर सार्वजनिक रूप से सबके सामने, तो उन्होंने रातों रात इंदौर अपना व्यक्ति भेज करके और दूसरा शिलालेख बनवाया, क्योंकि कार्ड तो प्रिंट हो नहीं सकते थे और वो बट नहीं देख सकते थे। अब शिलालेख में भी वरीयता के हिसाब से माननीय सांसद जी और विधायक जी का नाम नहीं। अगली जनपद में जो लोकार्पण समारोह आयोजित होना है और यहाँ पर भाजपा द्वारा इसका विरोध किया गया है। भाजपा हमेशा गलत परंपरा का निर्वाह करती है। हमारे बागली जनपद की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला कंठाली द्वारा हमें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। मैं मध्य प्रदेश दूसरे संघ का मध्य प्रदेश शासन द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। सरकारें आती जाती रहती है, कोई भी सरकार हो, सरकार का जनप्रतिनिधि राज्य शासन की जो राशियाँ रहती है उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि को हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जिसको चाहे बुला सकते हैं। वैसे दोनों सांसद जी और विधायक जी का हमारे जनपद अध्यक्ष द्वारा पत्रों पर शिलालेखों पर नाम अंकित किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का दुराग्रह हमारे जनपद अध्यक्ष द्वारा नहीं किया गया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा भ्रम की राजनीति फैलाते हैं, इसमें कोई दुराग्रह नहीं किया। उनने सम्मानित सांसद जी का और सम्मानित अध्यक्ष जी का नाम पत्थर पर आप देख सकते हैं, शिलालेख पर, उसमें भी आप उसका वीडियो बना सकते हैं, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। केवल मान सम्मान वाली बात है, किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। उनके द्वारा सभी अतिथियों को बुलाया गया और राशि किसकी रहती, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या विधायक निधि, सांसद निधि, सांसद और विधायक जी की राशि रहती तो वो उनका लोकार्पण करते थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।